दोस्तों, अभी आपने डेमो वीडियो देखा या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे पता है चैनल को आपने सब्सक्राइब तो पहले से ही कर रखा है। अगर दोस्तों इस तरह से वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको अलाइट मोशन ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो बिना वाटर मार्क कर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं और अलाइट मोशन ऐप ओपन करते हैं। दोस्तों अलाइट मोशन ऐप ओपन करते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का प्लस दिख जाएगा, ये वाला, इस पर इस तरह से क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको प्लस दिख जाएगा नीचे, इस पर इस तरह से क्लिक कर देना। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पर ये वाला यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला देख लीजिएगा दोस्तों, इस तरह से इस पर इस तरह से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको व्यू वॉल का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा इस तरह से, तो व्यू वॉल पर इस तरह से क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सारे सॉन्ग इस तरह से खुल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, सॉन्ग खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ भी आपका सॉन्ग है सुन के आपको इस तरह से प्लस दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों, जो भी सॉन्ग हो आपका ये वाला है तो इस तरह से प्लस पर क्लिक कर देना है, तो इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस तरह से ऐड हो जाएगा। उसके बाद इधर खाली जगह में टच कर देना, ठीक है दोस्तों, खाली जगह में टच करने के बाद आपको सॉन्ग सुन लेना और बीट मार्क कर लेना, ठीक है दोस्तों, जहाँ जहाँ बीट आ रहा है वहाँ वहाँ बीट मार्क कर लेना। तो मैं सॉन्ग सुन लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों इस तरह से बीट मार्क कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो मैं फर्स्ट बीट मेरा यहाँ आ रहा, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको प्लस मिल जाएगा ये वाला, इस पर इस तरह से क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों, इस तरह बीट हो जाएगा, देख देख लीजिएगा दोस्तों, इस तरह से आपकी रेड कलर की लाइन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कहाँ आ रहा, तो वहाँ पर इस तरह से जाना है और इस तरह से यहाँ पर यह प्लस प्लस लास्ट वाला इस तरह से क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ तीसरा बीट यहाँ आ रहा, तो इस तरह से इस पर भी क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों, इस तरह से बीट मार्क कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने बुक मार्क कर लिया, ठीक है दोस्तों, इस तरह से बीट मार्क कर लिया। उसके बाद इधर फर्स्ट में आ जाना, फर्स्ट में आने के बाद आपको ये वाला प्लस मिल जाएगा, इस तरह से प्लस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इमेज एंड वीडियो का, ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू वॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला देख लीजिएगा दोस्तों, व्यू वॉल पर इस तरह से क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी फाइलें इस तरह से खुल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, सारी फाइल खुल के आ जाने के बाद आपको यहाँ पर पिन से या फोटो आपके जहाँ भी हो वहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों, तो मैं इस तरह से ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला प्लस मिल जाएगा, इस तरह से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु मिल जाएगा, ये कोने में देख लीजिएगा दोस्तों, इस तरह से ये कोने में इस तरह से बिंदु मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला फिल स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये पाँचवें नंबर पर इस तरह से क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से फिल स्क्रीन कर देना। उसके बाद आपको ये यहाँ पर बीट मार्क ये जो मारा अभी इस तरह से क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इधर खाली जगह में टच कर देना। उसके बाद दूसरे यहाँ प्लस पर क्लिक करके दूसरा इमेज ले लेना, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से और सेकेंड इमेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ से सेकेंड इमेज में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु मिल जाएगा, इस पर इस तरह से क्लिक कर देना। उसके बाद फिर स्क्रीन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको इधर इस तरह से फिर से वही प्रोसेस अपनानी है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आ गए, देख लीजिएगा इस तरह से आ गए। उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस तरह से क्लिक कर देना, ये यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद इधर खाली जगह में टच कर देना। उसके बाद यहाँ से थर्ड इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, थर्ड इमेज में ये वाला ले लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से प्लस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक करके यहाँ पर फिल स्क्रीन कर देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन अपना लेना। उसके बाद आपको यहाँ वाला कट या बड़ा हो रहा था, इस पर से इस पर क्लिक करके इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह से सारे फ़ोटो ऐड कर लेना, ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस तरह से सारे फ़ोटो ऐड कर लिया, देख लीजिएगा दोस्तों, इस तरह से मैंने सारे फ़ोटो ऐड कर लिया। उसके बाद इधर फर्स्ट में चले जाना, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में चले जाना। फर्स्ट में आने के बाद आपको इस फोटो पे पहले नंबर वाले फ़ोटो पर इस तरह से क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला, इस पर इस तरह से क्लिक कर देना। उसके बाद एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना, यहाँ पर एड इफेक्ट मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको डेस्कटॉप और वार्ब का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला, इस पर इस तरह से क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेंडेंट टाइल शिफ्ट ये वाली इफेक्ट देख लीजिएगा दोस्तों, ये वाली एक्सेंड
बोन टाइल शिफ्ट ये वाली इफेक्ट है, इस पर इस तरह से क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पहले नंबर पर देखने को मिलेगा, इस तरह से इस पर क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो इस प्लस पर इस तरह से क्लिक कर देना। ठीक है, प्लस पर क्लिक करने के बाद इसको इस तरह से खींचना है, इसको जीरो कर देना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जीरो कर लेना है, जीरो करना है। उसके बाद आपको इधर आगे जाना, देख लीजिएगा दोस्तों, फ़ोटो के बीच में चले जाना। ठीक है दोस्तों, ये 116:17 है तो मैं इस तरह से फ़ोटो के बीच में आ जाना हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से फ़ोटो के बीचों बीच में आ गए। उसके बाद इसको यहाँ पर वापस प्लस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वापस शो कर देना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से शो कर देना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से शो हो गए। उसके बाद फ़ोटो के इस तरह से लास्ट में चले जाना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लास्ट में आ गए, इस तरह लास्ट आ गए। उसके बाद इसको वापस प्लस पर क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस पर क्लिक करके इसको वापस ज़ीरो कर देना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से वापस ज़ीरो कर देना। उसके बाद आपको इधर नीचे जाना, नीचे जाने के बाद आपको साइज़ दिख जाएगा, ये वाला साइज़ पर इस तरह से क्लिक कर देना। उसके बाद इसको 14 कर लेना। ठीक है दोस्तों, 13 या 14 आप रख सकते हो इस तरह से, तो इस तरह से मैं 14 कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इधर खाली जगह में टच कर देना। ठीक है दोस्तों, ये वाले इफेक्ट इस फोटो में इस तरह से लग गए। ठीक है दोस्तों, लगने के बाद आपको यहाँ पर इस इफेक्ट पर यानी इस फोटो पर वापस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस इफेक्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट बिंदु मिल जाएगा, इस तरह से क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉपी इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला देख लीजिएगा, तो कॉपी इफेक्ट पर क्लिक कर देना। इस तरह से क्लिक करने के बाद इधर खाली जगह में टच कर देना। उसके बाद इधर जाना है और इस फोटो दूसरे नंबर फोटो पर इस तरह क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इफेक्ट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको 3 डॉट बिंदु मिल जाएगा, इस तरह से क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ये इफेक्ट इसमें भी लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इधर जाना, तीसरे नंबर फोटो पर जाना और ये वाले इफेक्ट इस पर क्लिक करके, इफेक्ट पर क्लिक करके ये वाले इफेक्ट इसमें भी ऐड कर लें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ऐड कर ली। उसके बाद इधर चौथे फोटो में जाना, तो दोस्तों इस तरह से सारे फोटो में ऐड कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये इफेक्ट अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसे स्टेटस के संबंधित वीडियो डेली अपलोड करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से मैं इफेक्ट लगा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सारे फोटो में आपको इफेक्ट लगा लें। ठीक है दोस्तों, तो मैं जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ। दोस्तों इस तरह से मैंने सारे फोटो में इफेक्ट लगा लिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह लगानी, उसके बाद इधर फर्स्ट टाइम चले जाना। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टाइम जाने के बाद लाइट इफेक्ट लगाने के लिए इस प्लस पर इस तरह से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इमेज एंड वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस तरह से क्लिक कर देना। उसके बाद आपको व्यू वॉल का ऑप्शन मिलेगा, इस तरह से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा इस वीडियो की, तो इस वो आपको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद इस तरह से प्लस पर क्लिक करके इस तरह से आ जाना। उसके बाद यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इसको ज़ीरो कर देना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ज़ीरो कर दिया। उसके बाद इधर खाली जगह पर टच कर देना। टच करने के बाद वापस इस वीडियो पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको ब्लेंडिंग ऑपेसिटी मिल जाएगा, इस पर इस तरह से क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरह से क्लिक कर देना। उसके बाद इसको यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक कर देना, ये स्क्रीन में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो गया। उसके बाद इधर खाली जगह में टच कर देना। खाली जगह में टच करने के बाद इधर फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम जाना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लास्ट टाइम आ जाना। लास्ट टाइम आने के बाद ये वीडियो फोटो से ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा, इस तरह से आ जाना। तो इस तरह से आ गए। उसके बाद इस वीडियो पर इस तरह से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरह से क्लिक कर देना, कट हो जाएगा पीछे का पार्ट। देख लीजिएगा दोस्तों, इस तरह कट हो गया। उसके बाद इधर खाली जगह में टच कर देना, तो ये अपना वीडियो फाइनली बन के तैयार हो गया। और दोस्तों इस यहाँ पर आपको तीर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरह से क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको स्पॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, स्पॉट पर क्लिक कर देना, तो ये अपना वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।